सेल्स अलग रखो, क्लोजिंग स्टॉक अलग, ओके। वो एडजस्टमेंट एंट्री है एक्चुअली, बट हम लोग क्लोजिंग एंट्री के फॉर्म में दिखा रहे हैं, डोंट क्लब इट, शो देम सेपरेटली। ट्रेडिंग अकाउंट देन जीपी की एंट्री क्या है लास्ट क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग टू पीएनएल, ट्रेडिंग टू पीएनएल कितना है जीपी 420 राइट, 620 420,000 ओके, ट्रेडिंग टू पीएनएल इज 420,000 दैट्स इट, बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, बीइंग क्लोजिंग एंट्री पास फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। समझा कैसे करना है, कितने एंट्रीज है टोटल ट्रेडिंग पूछा है तो 6 आएंगे, क्यों 6 समझा, 2 रिटर्न्स, 2 डेबिट क्रेडिट और एक क्लोजिंग स्टॉक और एक ग्रॉस प्रॉफिट, 6। अभी 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन में आपको पूछा गया पीएनएल अकाउंट बनाओ और उसके क्लोजिंग एंट्री पास करो, ठीक है ना, पीएनएल अकाउंट बनाओ और उसके क्लोजिंग एंट्री पास करो, मुझे बताओ पीएनएल की शुरुआत कहां से होगी, ग्रॉस प्रॉफिट फिर एक्सपेंस इनकम और फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस, कितने क्लोजिंग एंट्रीज आएंगे पीएनएल टोटल, 4, वेरी गुड, कौन से, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस अपना नेट प्रॉफिट नेट लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट, समझ में आया, 4 क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ पीएनएल, ग्रॉस प्रॉफिट का एक, नेट प्रॉफिट का एक, एक्सपेंस का एक, इनकम, पहले पीएनएल अकाउंट बनाओ जैसे अभी किया ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया फिर एंट्रीज, अभी पीएनएल अकाउंट बनाओ उसके बाद एंट्री, दिया है क्वेश्चन, प्रिपेयर अ पीएनएल अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री, करो फटाफट, सम नंबर 10 11 11 11 सम नंबर 11 11 सम नंबर टेलीफोन
What's your net profit? 43,000 net profit mila. 43,000 net profit. बड़ा है ना, एक साइड जाएगा पूरा एंट्री. यार कौन से चार एंट्री जाएंगे पता है आपको? जीपी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम एंड नेट. हाँ जी, हाँ कोई भी ऑर्डर में. नरेश शर्मा चाल से भाई बोलो क्या सब पूरा लिस्ट लिखने को नरेशन में डायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्लोजिंग एंट्री पास फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंस. हाँ संड्रीज एज पर पी एन एल भी चला इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखो ना क्या है नरेश शर्मा बोल रहे हो एंट्री को पूरा लिख रहा है ट्रेडिंग टू जो भी है सब क्या हो गया जय सैलरी क्या बोल रहा है भाव तो चालू है ना आटम्बा के ऊपर ऑल ट्वेल्व आई डू दैट ओनली ऑल ट्वेल्व नहीं हो गया Thank you.
नेट प्रॉफिट छे हो गया नंबर नंबर क्लोजिंग एंट्री है कौन से डेट पे होगा लास्ट डेट हो गया देख लो एंट्रीज पहला वाला आएगा ट्रेडिंग टू बी एन एल 420 था ना फिर पी एन एल 2222 टू पूरा लाइन उसका टोटल आ रहा है आई थिंक 395,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग एंट्री मिला पूरा लंगर लिखना है देन डिस्काउंट टू पी एन एल दैट इज 18,000 मिला दैट इज इनडायरेक्ट इनकम लिखो या डिस्काउंट ट्रांसफर टू पी एन एल क्लोजिंग एंट्री फॉर डिस्काउंट द लास्ट वन इज पी एन एल टू कैपिटल दैट इज फॉर नेट प्रॉफिट पी एन एल टू कैपिटल दैट इज फॉर नेट प्रॉफिट हो गया नेक्स्ट वन क्लोजिंग एंट्री पास फॉर नेट प्रॉफिट क्लोजिंग एंट्री पास फॉर नेट प्रॉफिट फिनिश इज दिस क्लियर अभी कंसेप्चुअल सम है मस्त एकदम चकाचक सी सम नंबर 22 हमने 14 किया हुआ है ना 13 किया हुआ है 10-11 भी अभी हो गया चलो मस्त एकदम कंसेप्चुअल अच्छा सम सम नंबर 22 देखो ध्यान से सम नंबर 22 सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉइज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स हु वर पेड 30,000 पर मंथ ईच इन द ईयर एंडिंग 31st डिसंबर 2015 8 एम्प्लॉइज थे एक वर्कर की सैलरी थी 30,000 पर मंथ फॉर द प्रीवियस ईयर 31st डिसंबर 2015 एट द स्टार्ट ऑफ 2016 मतलब इस साल द कंपनी रेज द सैलरीज बाय 10% टू 33,000 पर मंथ ईच अभी सैलरी बढ़ा दी उनकी 30 से कर दी 33,000 ऑन जुलाई 1, 2016 मतलब इस साल में 6 महीने बाद जनवरी टू जून के बाद जुलाई 1, 2016 द कंपनी हायर टू मोर ट्रेनीज एट अ सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ ईच द वर्क फोर्स आर पेड सैलरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ 1 month इन अरियर्स मीन्स सो दैट द एम्प्लॉइज विल रिसीव दर सैलरी ऑफ जनवरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी एटसेट्रा मतलब जनवरी का सैलरी फर्स्ट मंथ फेब्रुवरी का सैलरी फर्स्ट मार्च मार्च का सैलरी फर्स्ट अप्रैल एंड सो ऑन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट 3 things नंबर 1 अमाउंट ऑफ सैलरी विच वुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st डिसंबर 2016 चार्ज टू पीएनएल
अमाउंट ऑफ सैलरी दैट बी चार्ज टू पीएनएल, मतलब पीएनएल में कितना एक्सपेंस के फॉर्म में दिखना चाहिए. नंबर टू, एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 2016. एंड नंबर थ्री, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन डिसम्बर 2016. लास्ट वाला तो ईजी है, डिसम्बर 2016 को कितना देना बाकी है वो ढूंढना है. बट मेन चीज है पी, शटअप, एंड आई एम टॉकिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, पी शट योर माउथ. डिसम्बर तक का सैलरी पीएनएल में कितना दिखना चाहिए और पेड कितना है, क्या वो पेड ही पीएनएल में दिखता है? वी फॉलो कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम. अक्रूवल क्या बोलता है? अक्रूवल बोलता है कितना इनकर हुआ है, मतलब इन शॉर्ट पीएनएल में क्या दिखता है, कितने का काम हुआ है उतना सैलरी, इन रिस्पेक्ट ऑफ वेदर यूर पेड और नॉट. और पीएनएल अपना पेड में क्या दिखता है, कितना पैसा दिया, कितना पे किया. ओके, आई गिव यू 5 मिनट्स टू थिंक, कैलकुलेट करो खुद से एंड गेट मी द आंसर्स ऑफ ऑल द थ्री, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. अभी हम रफ में करो, फेयर वाला में बता रहा हूँ बोर्ड, वो कॉपी कर. अभी आप रफ में जैसे जमता है वैसे मेरे को खाली ढूंढ के बताओ क्या अमाउंट आएगा तीनों का, पेड सैलरी, पीएनएल वाली सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी. कम ऑन, आज तक तीनों राइट सिर्फ एक जन को आया है इतने अटेम्प्ट्स. तीनों राइट, पहला तो आएगा वो भी, तीसरा नहीं आया. नहीं सोचो कुछ ट्रिक है, प्रीवियस ईयर का भी है. एंट्री नहीं, पेमेंट, पेमेंट फर्स्ट जिप, एंट्री हो जाती है ऑब्वियसली इनकर्ड बेसिस. How do you record entries? Incurred basis. Thank you. Pranu, bolo. Mere ko batao. Arey ruko ruko. Arey likho likho, aapke bhi answers likho. Kya likho? Haan, pehle ka kya aaya? PNL wala? PNL wala? 2,45,000. 65,52. आठ एम्प्लॉइज है यार, 342 महीने का नहीं साल का ढूंढ. ओके, अबे पेड आई थिंक अगेन महीना. थिंक ये राइट आंसर है कि नहीं पता नहीं है मेरे को. सर ऊपर ने पच्चीस लोग. दैट इज पीएनएल. अच्छा पेड इज 36,6,000. और कोई किसी और को कोई और मिला? 3,30,000. What? Paid. Paid how much? 339,410. Okay. 3,60,000. ऊपर वाला पीएनएल? पीएनएल डोनेट कर हुआ था ना? ना. 36,72,000. ये वाला. ओके, तीसरा आंसर पेड़ का, 34,20,000 पेड़ का. एक और आ गया 31,14,000. दैट इज फॉर व्हाट? 31,14,000. ओके, 3,06,000. ये बराबर है 3,06,000. और कोई ऊपर आंसर दूसरा?
PNL में 3420 लिखा है. ओके सर 3,06,000 दैट इज आउटस्टैंडिंग. ओके गॉट इट. 3,24,9,000 ये पांचवा आंसर. 32,49 अपल जी. 34,20,000 चलो अभी मैं डिस्कस करूंगा. मतलब कि 3-4 लाख का तो घोफला आराम से हो रहा है. देखो सोचने का तरीका एकदम क्लियर है. विच वन पेड 3,660 ओके एंड पीएनएल 3,420,000 ये तो बोलता है. और लास्ट वाला होगा 3,144,000 चलो सर पेड नहीं था बेटा लास्ट ईयर बाकी छे अभी मैं बता रहा हूँ. चलो लेट मी डिस्कस नाउ. यू विल एक्चुअली मेक दिस नोट. ओके फर्स्ट वाला लिखो अमाउंट ऑफ सैलरी चार्ज टू पीएनएल. चार्ज टू पीएनएल देखो अभी हाउ टू गो अबाउट इट. देखो जब आप राइट नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट डोंट गो बिहाइंड द आंसर्स. आंसर्स अपने आप आएगा.